स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। अभी हम हैं जुक्सपित्से डॉर्फ में, मतलब जुक्सपित्से विलेज। और इस विलेज की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो ये है कि ये चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। आप इस गांव में कहीं से भी खड़े होके देख लो, आपको हर तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखेंगे। और अगर मैं आपको बताऊं कि ये कहां पे आता है, तो जर्मनी का जो बवेरिया स्टेट है उसमें सिटी है गार्मिश पार्टन किर्शन, और उसके अंदर आता है ये ग्राइनाउ द जुक्सपित्से विलेज। तो जैसे हमारे इंडिया में भी होते हैं स्टेट होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट होती है, उसके बाद में फिर तहसील होती है, वैसे ही यहां पे भी है। और ये है जर्मनी का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज, क्योंकि यहाँ पे एक तो है जुक्सपित्से जो कि है जर्मनी का हाईएस्ट माउंटेन पीक, और साथ में यहाँ पे है आइप्सी जो कि है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेक जर्मनी की। और क्योंकि ये एक गांव है प्रॉपर, तो यहाँ पे हर तरफ एक तो फार्मर्स के घर दिख रहे हैं, और मतलब घोड़े गधे गाय भेड़ सारे जानवर हमको यहाँ पे दिख गए हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये बहुत ज़्यादा टूरिस्टिक है, तो टाउन भी बहुत अच्छे से ये वेल मेंटेन्ड है, बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पे घर हैं, बहुत अच्छा है। तो चलिए घूमते हैं फिर ये गांव साथ में। तो ये आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं, ये लोगों के खेत हैं। और जैसे इंडिया में भी हम लोग खेत में जैसे छोटे छोटे कमरे वगैरह बना के रखते हैं सामान वगैरह रखने के लिए, बाड़ा बोलते हैं हमारे साइड, आपके साइड कुछ और बोलते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में। तो यहाँ पे भी लोगों ने वैसे ही सारे बनाए हुए, आप देख सकते हैं छोटे छोटे हट्स आपको दिख रहे हैं, और इनके अंदर एक तो बहुत सारी लकड़ियाँ इन्होंने काट के रखी हुई है, जैसे विंटर आती होगी तो जलाने वगैरह के काम में लेते होंगे, और बहुत सारा चारा भी रखा हुआ है। तो जो भी इन्होंने यहाँ पे जैसे पशु वगैरह अपने पाले होंगे, गाय या घोड़े, उनको फिर खिलाने के काम में लेते होंगे। और यहाँ पे घोड़े भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जैसे ये बहुत टूरिस्टिक जगह है ना, तो वो जैसे तांगा गाड़ी चलती है ना वैसी बहुत चलती है यहाँ पे, तो आप वो लेके भी इस टाउन को घूम सकते हैं। और ये इस गांव में आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे पीछे भी बहुत किसानों के घर हैं, ये यहाँ पे उनकी लैंड है, और उस घर में आप देख सकते हैं जैसे जेसीबी भी खड़ी हुई है। तो यहाँ पे हमने नोटिस किया कि मोस्टली सारे घरों में जैसे उनकी एक जो गाड़ी होती है वो तो है ही, उसके साथ में जैसे किसी घर में टेम्पो टाइप गाड़ियाँ भी हैं, फिर किसी घर में जेसीबी है, और फिर किसी घर में ना प्रॉपर जो फार्मिंग की कार्स होती हैं वो सब भी हैं, जिनमें से जैसे वो चारा वारा होता है वो भी ऐसे निकलता हुआ हमको दिखा कई कई जगह पे। तो आई थिंक ये इनका मेन जो काम रहता होगा वो फार्मिंग रहता होगा। उसके अलावा क्योंकि ये गाँव बहुत टूरिस्टिक है, तो यहाँ पे जैसे इन्होंने मोस्टली सबने अपने घरों में एयरबीएनबीज या होटल्स बना रखे हैं, और फिर मतलब यहाँ पे आके आप रह सकते हैं, और इतना अच्छा आपको यहाँ से व्यू पॉइंट मिल जाएगा। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल विलेज है, और साथ में मतलब ऑफ कोर्स ये इतने अमीर और इतने सुंदर गांव में रहते हैं, इतना टूरिज्म पे ये गांव चलता है, तो यहाँ पे होटल्स की प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, मतलब सिंपल सिंपल रूम्स भी काफ़ी एक्सपेंसिव हमको लगे हैं यहाँ पे। तो उसकी वजह से ये तो फिर ऑब्वियस ही है कि इनके पास में पैसा बहुत अच्छा ही होगा। जैसे आप देख सकते हैं बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, ट्रैम्पोलाइन भी लगाया हुआ है अपने घरों में, तो काफ़ी अच्छा है लेकिन वैसे ये गाँव। हम लोग भी जैसे इंडिया में गाय या भैंस या बकरियां वगैरह पाल के रखते हैं घरों में, वैसे मुझे लगता है ये घर में भी इन्होंने ये दो गाय, बोलूंगी कि नहीं बछड़ा बोलूंगी मैं इनको, ये शायद इन्होंने पाल रखा है। क्या आप लोगों ने कभी गाय या बछड़े या भैंस वगैरह पाली हैं अपने घरों में? हमने जैसे हमने हमारे घर में बचपन में भैंसे थी और बकरियाँ थी, और उनका बहुत फ्रेश दूध हमने पिया है। तो अगर आपके घरों में भी वो पाली गई हैं तो आप कॉमेंट में बताओ।
दिखाती हूँ जर्मनी की गाय, कितनी सुंदर है और कितनी मोटी मोटी है, और इनके गले में सबके में घंटियाँ बजी हुई है, तो ये मतलब बजती रहती है घंटियाँ बजी है, और इनके कानों पे ये देखो आप इनके टैग भी लगे हुए होते हैं, तो शायद ट्रैक रखने के लिए कि कौन सी गाय का क्या नाम है। मैं इतने पास से पहली बार जर्मनी की गाय देख रही हूँ, क्या मस्त लग रही है, और मैं यहाँ पे आई फोटो खिंचवाने के लिए, तो ये सारी वहां से यहाँ आ गई मेरे पास में, आई थिंक मेरी मेरे से दोस्ती करना चाहती है। काफी नीचे तक रह रही हूँ, और इंडिया में तो मतलब हमारे ऐसे लाल गाय और भूरी और ये सब गाय ढूंढने से भी नहीं मिलती है, और यहाँ पे इतनी सारी भूरी गाय, वाइट और भूरी, काली और भूरी, हर कलर में गाय अवेलेबल है, कौन सी चाहिए आपको। छोटा सा है ये, तो मुझे बछड़ा लग रहा है, और पता है जैसे ये तो जर्मनी के गाय है, बट स्विट्जरलैंड की गाय भी बिल्कुल ऐसी ही होती है, तो स्विट्जरलैंड का आपको पता ही होगा कि स्विट्जरलैंड का दूध और चीज़ और ये सब मिल्क प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वो मिल्क प्रोडक्ट ऐसी गायों से आते हैं। ये आ गई है कितनी बड़ी। हाय, व्हाट्स योर नेम। तो वहाँ तो वो पूरा गाय का ये पूरा इतना बड़ा फार्म है ही, फिर इस साइड भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये इधर भी देखते हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारे छोटे छोटे किसानों के घर हैं जिन्होंने मतलब बहुत सारी लकड़ियाँ वकड़ियाँ भी काट के रखी हैं, और इस साइड भी थोड़ी बहुत गाय वाय बंधी हुई, तो बेसिकली ये यहाँ के मतलब किसानों का या फिर जो ये डेयरी का काम करते होंगे उनका घर है। ये यहाँ का म्यूनसिपैलिटी ऑफिस है, और ये आप देखो कितना ज़्यादा सुंदर बनाया हुआ है, जैसे कोई देखने की जगह हो। ये देखो यहाँ पे राट हाउस बोलते हैं जो म्यूनसिपैलिटी ऑफिस होता है उसको, और ये बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। ये देखो ये सारा इसी राट हाउस की प्रॉपर्टी का पार्ट है। तो हम लोग अभी पास के एक और गांव में आए हैं, इस गांव का नाम है बायर जोइन। तो हमने सोचा यहाँ जैसे ये गार्मिश पार्टनकिंशन एक पहाड़ी एरिया है, तो आप लोगों को जैसे पहाड़ी एरिया में यहाँ कैसे गांव होते हैं वो भी दो तीन गांव दिखा दें। तो हमने इस पूरे ही रीजन में यहाँ के गाँव के बारे में ये बातें नोटिस करी है कि यहाँ पे लकड़ी का बहुत ज़्यादा काम है, जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये बहुत सारी इन्होंने लकड़ियाँ रखी हुई हैं, और यहाँ पे जो घर भी होते हैं वो पूरे पूरे लकड़ी के होते हैं, और जैसे जितने भी इनके खेत वगैरह हैं बड़े बड़े ऐसे मतलब है ना लकड़ी के है ना, वो उन्होंने पूरे पैकेट बना के रखे हुए हैं, तो आई थिंक विंटर में यूज़ करते होंगे, और प्लस जैसे घर बनाने में भी पूरा लकड़ी ही यूज़ करते होंगे, तो यहाँ पे जैसे बहुत ही, और यहाँ का ना सुवेनियर अगर शॉप पे जाते हो लेने के लिए तो यहाँ के सुवेनियर्स भी सारे ना वुडन के ही कुछ ना कुछ बना हुआ मिलता है, और बहुत सुंदर कारीगरी करी जाती है यहाँ पे, मतलब लकड़ी के पीसेस को काट काट के बहुत ही यहाँ पे मतलब देख लो आप। तो अब हम मैं आपको यहाँ पे एक लकड़ी के कारीगर का घर भी दिखाती हूँ, हमने उनसे परमिशन ले ली है कि हम वीडियो बना सकते हैं क्या, तो आप देख सकते हैं ये उनका घर है, और यहाँ पे जैसे उन्होंने अभी इसे प्रिजर्व करने के लिए पुराने ज़माने का जो उनका सामान रखा होगा वो भी मतलब पूरा रखा हुआ है, तो वहाँ पे जैसे वो पहिया रखा हुआ है, फिर यहाँ पे ये सामान खींचने की गाड़ी, और वो वहाँ पे भी जैसे गाड़ी के पीछे लगा के और पहिए वहिए लगे हुए हैं, टायर वगैरह लगे हुए, एकदम पुरानी एकदम जो लकड़ी भी ख़राब हो चुकी है वैसे वाला रखा हुआ है, और यहाँ पे जैसे वो चारा नहीं काटते खेतों में घास काटने वाला वो भी रखा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे
यहाँ पे ये सब तो रखा ही है, फिर पीछे जैसे वो झूला भी इन्होंने बनाया हुआ है, तो वो भी आई थिंक खुद से बनाया है पूरा लकड़ी का, और फिर जैसे यहाँ पे उनका पूरा कारखाना है, और ये यहाँ पे मुझे एकदम पुराने ज़माने की याद दिला दे रहा है। वो हॉबिटॉन मूवी में जैसा नहीं है वैसा भी लग रहा है, ये न्यूजीलैंड में जो हॉबिटॉन बहुत फेमस है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का जो सेट है वैसा वैसा ही है कि छोटा सा गेट है और उसके ऊपर घास वगैरह उगा के आई एम श्योर इसके नीचे इनका मतलब गैराज वगैरह कुछ होगा। लेकिन जो एक बात मुझे बहुत अमेजिंग यहाँ की लगी वो ये है कि कहने को तो ये लकड़ी के कारीगर का घर है लेकिन इनके घर पे भी ऑडी खड़ी हुई है और जैसे पीछे उनका जेसीबी और ट्रैक्टर वो भी खड़ा हुआ है, और बाकी अंदर चल के देखते हैं इनका एक्चुअली काम होता कैसे है। जैसे इनका जो भी पुराने ज़माने का जो भी सामान रखा होगा वो पूरा एकदम संभाल के यहाँ पे टांगा हुआ है इन्होंने। आप देख सकते हैं कि जैसे ये यहाँ पे टोपी कितनी पुरानी है, छेद हो गए हैं उस पर, फिर यहाँ पे देखो गन्स भी इन्होंने लगाई हुई हैं, तलवारें वगैरह लगाई हुई हैं, बहुत ही मतलब एकदम फैसिनेटिंग लग रहा है मुझे तो ये सब देखना। और ये देखो जैसे आरियां वगैरह भी हैं, और ये भी जैसे कुछ और मुझे गन्स लग रही हैं, पता नहीं कितने टाइप की इन्होंने यहाँ पे बंदूकें लगाई हुई हैं। ये देखो बड़ी वाली, फिर ये छोटी वाली, फिर ये यहाँ पे भी हैं, केतली भी टंगी हुई है। और ये यहाँ पे इनका घर है, और फिर पीछे ही इसके ये इतनी सुंदर सी लेक है, मतलब वाओ क्या जन्नत में रहते हैं ये लोग। और फिर यहाँ पे भी जैसे फिर से कितनी सांकड़ वाकड़ और ये पहिए वगैरह, पता नहीं कौन से ज़माने के इन्होंने संभाल के रखे हुए। आई थिंक ये जो भी जिनका भी ये घर है वो शायद एंटीक चीज़ों के काफ़ी ज़्यादा शौकीन है। ये देखो हथौड़े वगैरह इतने सारे टाइप के इन्होंने लगाए हुए, जंग लग चुका है बट सारे इन्होंने ऐसे शो करने के लिए रखे हुए हैं। और ये यहाँ पे जो घोड़े के खुर में लगाने के लिए जो यूज़ में लेते हैं वो भी इन्होंने यहाँ पे बहुत सारे टांगे हुए हैं। और इससे मैं आपको एक और बात बताती हूँ, जैसे हमारे इंडिया में होता है ना नींबू मिर्ची वगैरह लगाते हैं हम नज़र नहीं लगने के लिए, वैसे मैंने यहाँ पे भी नोटिस किया है कि बहुत सारे लोग ये भी लगाते हैं कि उनकी भी जैसे गाड़ी को या घर को नज़र नहीं लगे। और ये यहाँ पे भी एकदम पुरानी वाली ट्रैक्टर गाड़ी खड़ी हुई है, और फिर जैसे यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लगा रखी हैं। और ये देखो आप, ये आपको स्टैचू जो दिख रहा है ये लकड़ी का बनाया हुआ, कितना सुंदर उन्होंने बनाया, एकदम मुझे रियल इंसान ही लग रहा है। और फिर यहाँ से भी जैसे ये पूरा जो पीछे भी गांव है उन लोगों के घर है, और ये यहाँ पे फिर लेक है, ये कितना सुंदर गांव है, कितना अच्छा इनको व्यू आता होगा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये। तो मैंने जो अपना पिछला गांव वाला वीडियो बनाया था उसमें मैंने कहा था कि मुझे यहाँ पे खेतों में वो जो पुतले बना के रखते हैं वो नहीं दिखे, बट आज मुझे वो पुतला भी दिख गया। थोड़ा अलग स्टाइल का है बट कितना अमेजिंग है, लकड़ी से बनाया हुआ है। और फिर ये यहाँ पे भी इन्होंने कुछ तो छोटा सा क्यूट सा बना रखा है, छोटी सी हट है, फिर उसमें बेंचेस वगैरह भी रखी हुई हैं। तो ये आई थिंक कोई पता नहीं इसको क्यों बनाया होगा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, बट ये बहुत ही मुझे क्यूट दिखा तो मैंने आपको दिखा दिया वीडियो में। और एक ये मुझे यहाँ पे बहुत ही यूनिक स्टाइल का पेड़ दिखा, आई थिंक इन्होंने कटिंग वगैरह करके जैसे बंदा बिठा रखा है, फिर जैसे ये बर्ड्स वगैरह भी लगाए हुए, तो बस एक अपने आप में एक आर्ट पीस मुझे ये लग रहा है। तो हमने अभी उनसे बात करी जिनका ये घर है, हम उनको वीडियो में नहीं ले पाए क्योंकि वो जो भी बोल रहे थे जर्मन में है तो वैसे भी समझ नहीं आता आपको, लेकिन उन्होंने हमको बताया कि वो किसान हैं प्रॉपर, तो वो खेती वगैरह का काम करते हैं, और साथ में जैसे उनको ये सब एंटीक सामानों का शौक है तो वो खुद से ही पेंट करते हैं, बनाते हैं, और मतलब इन सब में वो इंटरेस्ट रखते हैं, तो इसलिए उन्होंने इसका ये पूरा कारखाना बनाया हुआ है ना, ये इंटरेस्टिंग। और पिछले वीडियो में आपने मुझे बहुत कमेंट्स करे थे कि किसान से बात करके दिखाओ, अंदर से घर दिखाओ, तो आई होप मैं ये वाला इंटरेस्टिंग आपको एक किसान का घर दिखा पाई, बात नहीं कर पाई लेकिन मैंने खुद ने बात कर ली, और मतलब जो मैं उनसे समझ पाई वो मैं आपको बता पाई। तो चलिए अब इस लेक की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कैसी है ये लेक। तो कुछ ऐसे होते हैं जर्मनी के गांव, कुछ गांव होते हैं जो फार्मिंग पे चलते हैं, कुछ गांव होते हैं जो डेयरी पे चलते हैं, और कुछ गांव होते हैं जो टूरिज्म पे चलते हैं। बट हमने जो एक बात नोटिस करी है वो ये है कि हर गांव में ही
फैसिलिटी एक नंबर होती है, सारे सुपरमार्केट्स होते हैं, हॉस्पिटल होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत अच्छा होता है और नेचर को तो बहुत ही अच्छे से मेंटेन करा हुआ होता है। कहीं पे पहाड़ होते हैं, कहीं पे नदियाँ होती हैं और मतलब बहुत सुंदर होते हैं सारे गाँव। तो ऐसे कुछ होते हैं जर्मनी के गाँव। आई होप आपको ये वीडियो देखना अच्छा लगा हो। बाकी हम कोशिश करेंगे, जैसे हमने आपको जर्मनी का अमीर गाँव दिखाया, जर्मनी का सुंदर गाँव दिखाया, अब हम कोशिश करेंगे कि जो थोड़े लेस डेवलप्ड अगर हमको कोई गांव मिल पाए तो हम वैसा गांव ढूंढ के और वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे आगे के वीडियोस में, कि देखें तो सही क्या जर्मनी के सच में सारे गांव इतने डेवलप्ड होते हैं। तो वो वीडियो भी जल्दी बनाएंगे। आप बताइए कमेंट्स में अगर आपको वो वीडियो चाहिए। और बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपके क्या थॉट्स हैं यहाँ के गाँव के बारे में, यहाँ की गायों के बारे में, यहाँ के घरों के बारे में, वो भी आप कॉमेंट्स में बताइए। और बाकी मैं मिलती हूँ हम मेरे आगे के वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय एंड टेक केयर। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।